अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपनी कैलकुलेशन रिसर्चेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास टॉरस के लिए खुशखबरी है, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आठवें घर में पिछले हफ्ते तक दबाव का शिकार था, इस हफ्ते भी इब्तदाई तौर पर दबाव का शिकार रहेगा, बट 4 फरवरी को अपना घर बदल कर वो 9th हाउस में अपीयर हो रहा है। आठवें घर में था पहले, वहाँ नुकसान कर रहा था, मोहब्बत के मामलात को उलझा रहा था, रिलेशनशिप में बड़ी ट्रबल्स आ रही थी। ख़ुद भी वीनस के डाउन होने की वजह से टॉरस अपनी पर्सनालिटी में कमज़ोरी देख रहे थे, अपनी नेचुरल स्किल्स को डम्पी बम्पी कंडीशन में देख रहे थे, अपने फैसलों को भी हेजिटेट होता हुआ देख रहे थे। बट नाउ 4th फरवरी इज़ अ डेट जो कि चेंज कर देगा इस सिचुएशन। वीनस 9th हाउस में आ जाएगा, पॉजिटिव है, औलाद की वेलफेयर के लिए काम कर सकेंगे, रोमानवी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, प्रपोज करना चाहेंगे या रिश्ते का जो डिले चल रहा था उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा, रिलेशनशिप बिल्ड होते हुए नज़र आ रहा है, कमज़ोर रिश्ते पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीनस की इस पॉजिटिविटी की वजह से औलाद और माँ बाप के दरमियान जो मोहब्बत है, जो फरमाबरदारी है, उसका पहलू इंक्रीज़ करेगा। टेक ऑफ टाइम है वीनस के 9th हाउस में आने की वजह से, और ये टॉरस का रूलिंग प्लैनेट भी है, इसकी वजह से इस हफ्ते किए हुए प्लान्स लंबा फ़ायदा दे सकते हैं, आसानी देंगे, रिस्पेक्ट के साथ एंड मटेरियल एडवांटेजेस, मतलब इज्जत, इख्तियारात, प्रमोशंस और साथ साथ मटेरियल एडवांटेजेस भी। और दूसरा इवेंट भी 4 फरवरी को ही हो रहा है और वो है न्यू मून, और नया चांद जो हो रहा है वो 10th हाउस में हो रहा है टॉरस के, एंड 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, और नया चांद वहाँ पर कुछ नई मैच्योरिटी के साथ, नए जज्बात के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नए जोश के साथ वहाँ आपको सोर्स ऑफ इनकम में कुछ डेवलपमेंट्स देगा। इन डेवलपमेंट्स की वजह से आप इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, होमलैंड पर रहते हुए बैरून मुल्क मुआहदे कर सकते हैं या बैरून मुल्क जाकर नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। इसका ताल्लुक इंटरनेशनल कारोबारी इस्तलाहात से बनता है, इंटरनेशनल अचीवमेंट से बनता है, कारोबारी अचीवमेंट्स, सैर व सियाहत भी इसी की वजह से पैदा होती है, और मज़हबी सफ़र अगर करना चाहें तो भी, अगर मून 10वें घर में हो और वीनस 9th हाउस में हो तो मज़हबी नौयत के जो सफ़र इख्तियार किए जाते हैं वो भी इस ड्यूरेशन में हो पाते हैं। उसके अलावा समंदर पार शादी की अगर कोशिशें की जा रही हैं या दोनों आपस में लिंक थे, मियाँ बीवी या फियांसिस, लेकिन इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, तो ये जो दो स्टार पोजीशन है, वीनस इन 9th एंड मून इन 10th, ये दो सिचुएशन इन प्यार करने वालों को, इन रिलेशन में जुड़ने वालों को इकट्ठा करने में मददगार साबित होगी, तो रिलेशनशिप में भी ये पॉजिटिविटी क्रिएट करे। फिर कंपेन्स, अगर कोई मुहिम चलाना है, अगर किसी सीवियर किस्म की कंपेन का आगाज़ करना है, तो क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत पॉजिटिव चल रही है तो ये किया जा सकता है। बट अब फिर वही बात जो मैंने एरीज़ की वीडियो में भी बोली, अब सब सितारों में मैं ये थोड़ी थोड़ी बात बोल दूंगा, क्योंकि ये हफ़्ता डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, और जो 10 तारीख से चेंजेस आनी है वो टोटली डिफरेंट है। समटाइम ऐसा होता है, हर दफ़ा नहीं बट समटाइम ऐसा होता है कि इस हफ्ते की पेशेंगोई अगले हफ्ते से मिलती जुलती होती, बट समटाइम बिल्कुल यकसर तब्दील होती है। और ये वही सिचुएशन है कि जो 4 फरवरी तक वीक है उसकी पेशेंगोइयाँ आपको वीनस, आपको मून और आपको मरकरी, ये सब पॉजिटिव दिख रहा है, बट 10 तारीख को मरकरी ने अपना घर बदल देना और नेगेटिव साइड पर जा रहा है, तालिब इल्मों के लिए बड़ी तकलीफ का टाइम आएगा, सीखने और सिखाने का मरहला रुकेगा, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा क्योंकि उसका ताल्लुक ऐसी डेट से है जो अगले हफ्ते में आती। अब इस सिचुएशन को फेस करते हुए मैं ये ज़रूर बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कहूँगा कि आप अपना एक दफ़ा 2019 का चार्ट ज़रूर बनवा लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर। उसके लिए वो अपॉइंटमेंट का एक तरीका है, वो प्रोफेशनल है, वो इस तरह जो हम लोग आपकी खिदमत में करते हैं वो इस तरह नहीं है, मतलब उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना एंड वो प्रोफेशनलिज्म है प्रॉपर, उस पर आप कॉल करेंगे तो आपको वो मुयसर आ जाएगा। जब वो मुयसर आएगा तो आप यकीन कर लें कि अगली जो तब्दीलियाँ 10-15 दिन में आने वाली है ना, जो 6 फरवरी से शुरू होनी है और 20 फरवरी तक चलनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे यूरेनस ने अपना मार्च में घर बदलना, ये ऐसी तब्दीलियां हैं कि अगर आप इसे नोटिस करके चलेंगे ना तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ये जो 2019 एक ईयर आया है, ये साल जो है ये गैर मामूली चेंजेस का साल है, कई सालों के बाद आया है,
फिर कई सालों के बाद आएगा, क्योंकि ये अवेलेबल है, इसकी अवेयरनेस हासिल करके आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। जनरल रेमेडीज़ में बीइंग अ टॉरियन एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, जमुरद उर्दू में कहते हैं, 8 कैरेट का पहनना आपके लिए बेसिक सी सपोर्ट, बेसिक सी रेमेडी साबित होगा। साथ में सूर्य शम्स पढ़ते रहिए ताकि टाइम के जो वीकनेसेस एंड नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप है, सितारों की चाल का जो मनफी होना है वो आपके लिए बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सर्टन टाइप ऑफ रेमेडी आपके आपके चार्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनने वाले चार्ट से ही कंफर्म हो सकेगी, वो जब आप चार्ट बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अगले हफ्ते की छोटे से क्लू दो छोड़ के जा रहा हूँ। तालिब इल्मों के लिए मरकरी की पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। सन भी अपना चेंजेस ला रहा है, और उसके अलावा एक मेजर चेंज थी, अब वो मैं लिख नहीं सका हूँ, वो अगले हफ्ते कैलकुलेशंस करूँगा तो वो मैं बयान कर दूँगा। इस हफ्ते की खबरें यही थी कि नया चांद जो है वो आपके यहाँ 10th हाउस में हो रहा है, और वीनस अपने नेगेटिव दौर से निकल कर पॉजिटिव एरिया में दाखिल हो चुका है, आपका रूलिंग प्लैनेट है। ये दो बड़ी खबरें, उम्मीद करता हूँ इन खबरों को आप भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे फ़ायदे उठा सकेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो टाइम से, जो एस्ट्रोलॉजी से, जो सितारों से मोहब्बत करते हैं उनके लिए बड़ी अहम है, और इससे बड़े फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। अपने टॉरस दोस्तों को ये वीडियो टैग कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के फ़ायदे उठा सकें, और इस तरह की प्रोफेशनल वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइबर हैं आप तो वीडियोस मिलती रहेंगी, जो नए हैं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एस्ट्रोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।